हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नया टॉपिक दैट इज़ स्पेसिफिक हीट तो हमने इससे पहले की जितनी भी वीडियोस कवर कर लिए अगर आपसे मिस हो गई हैं तो आज एक तो बार जरूर देख लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑल्सो यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके पहले इसको थ्रू कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट क्या होती है ठीक है स्पेसिफिक हीट आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी मटेरियल को वॉर्म करना है ठीक है हीट अप करना है हम उसको क्या करते हैं हम उसको यूनिट मास लेते हैं ठीक है थीके? एक यूनिट मास लिया यूनिट मास क्या हो सकता है वन के जी भी हो सकता है वन ग्राम भी हो सकता है डिपेंड्स कि आप एस आई में ले रहे हो या सी जी एस में ले रहे हो ठीक है तो आपने यूनिट मास लिया है यूनिट मास को वन डिग्री वन डिग्री अब कैलविन भी हो सकता है सेल्सियस भी हो सकता है ठीक है ऐसे डिग्री के लिए आपको पता है कि हम कैलविन यूज सेल्शियस यूज़ करते हैं तो वन डिग्री सेल्शियस अगर मान लो मेरे को इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड थी कितनी हीट लगी उसे हम बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट क्या कहते हैं उसके स्पेसिफिक हीट कहते हैं फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में कि मेरे को वन ग्राम या वन के कोई भी एक यहाँ पर सब्स्टांस है उसकी जितना भी टेम्परेचर है वो मान लो दस डिग्री में पड़ा हुआ है उसका मेरे को एक टेम्परेचर वन डिग्री टेम्परेचर राइज करवाना है बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए इसको दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट जब हम एक चीज स्पेसिफिक कर देते हैं एक ग्राम एक डिग्री बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट दी दैट इज द स्पेसिफिक हीट तो इसको डिफाइन करते हैं तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्स्टांस थ्रू वन डिग्री ठीक है अब इसमें जितनी भी जो भी हीट होगी जो इसको हीट रिक्वायर्ड होगी वो किस, -किस के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है किस पे डिपेंड करती है जैसे कि मान लो हीट हीट को मैं यहाँ पे क्यों से डिफाइन कर रही हूँ हीट जो है वो किस पे डिपेंड करती है सबसे पहले तो मास पे कि आपने वन ग्राम लिया है या फिर वन के जी लिया वन के जी को राइस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी है ना ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी और कम uh, कम यूनिट मास को एक डिग्री बढ़ाने के लिए कम हीट रिक्वायर्ड होगी तो हीट जो इसको रिक्वायर्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस ठीक है एंड हीट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर कैसे कि ज्यादा टेम्परेचर देना तो ज्यादा हीट कम टेम्परेचर देना है तो कम हीट ही तो ऑब्वियस बात है राइट ओके okay, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे ठीक है तो दोनों को ही क्या करेंगे कंबाइनिंग वन एंड टू जब हम वन एंड टू को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी अब वी नो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं हम यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं एंड दैट कांस्टेंट हेयर इज एस ठीक है हेयर इज एस नाउ व्हाट इज एस एस को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो क्या बनेगा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी राइट right? तो अब ये क्या है नाउ वट इज एस एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी राइट दिस इज एस इसको आप देखो इक्वेशन को देखो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यस क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड ठीक है हीट रिक्वायर्ड एंड एम इज द यूनिट मास एंड टी इज द टेम्परेचर जो हमने उसको राइज किया है तो अगर ये वन डिग्री होगा ये वन यूनिट होगा तो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी राइट यहाँ से अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं सीजीएस में अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट्स लिखूं तो क्या निकलेंगी सीजीएस के लिए जो हीट होती है उसको हम किस में लेते हैं कैलोरीज में लेते हैं राइट right? कैलोरी होता है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था मास को हम किस में लेते हैं ग्राम्स में लेते हैं तो ग्राम इन्वर्स हो जाएगा नीचे है टेम्परेचर को आप किस में ले लेते हो या इसमें तो ऐसा नहीं होता सी जी एस सी जी एस में ऐसे एंड ऐसा यूनिट में ऐसा नहीं होता वैसे मोस्ट रॉबली हम सी जी एस में कैल सेल्शियस uh, लेते हैं एंड ऐसा ही में हमें लगता है कि हम कैलविन ले लें बट ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिग्री सेल्शियस लिख रही हूँ ठीक है उसके बाद ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे यूनिट में हीट होती है जूल ठीक है मास हो जाता है के जी किलोग्राम ये हो जाएगा इनवर्स और यहाँ पे हम ले लेंगे कैल्विन इनवर्स ठीक है अब अगर मैं डायमेंशंस की बात करती हूँ डायमेंशंस की तो डायमेंशंस में क्या आएगा हीट की क्या होती है हीट की होती है एम एल टी माइनस टू ठीक है एंड जो आपके पास मास है दैट इज़ ओनली एम एंड टेम्परेचर की कैलविन तो अब यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा एल टू टी माइनस टू कैलविन इनवर्स ठीक है तो ये हो जाएगी आपके पास स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ठीक है तो स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड ठीक है मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर ठीक है तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी वाटर को वाटर के अगर मैं यहाँ पर सीज़स की बात करती हूँ अगर मैं मास वन ग्राम लेती हूँ ठीक है वन ग्राम लेती हूँ और उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर यानी कि अगर सिर्फ वन डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर आता है तो उसके लिए एक डिग्री राइज कराने के लिए एक ग्राम वाटर को वन कैलरी की नीड होती है इस स्टेटमेंट को दोबारा समझिए एक ग्राम वाटर को वन डिग्री राइज कराने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है वन कैलरी की हीट रिक्वायर्ड है सो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ठीक है सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर एसआई में मैंशन करती हूँ तो क्या होता है वन कैलरी में वी नो दैट फोर पॉइंट टू जूल्स होते हैं ठीक है वन ग्राम्स में होते हैं टेन डेस्टू पार माइनस थ्री के जी अब यहाँ पर वैसे हम ऐसा ही में क्या कैलविन यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ क्या है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल यानी कि एक डिग्री का ही हम राइस करा रहे हैं तो यहाँ अगर मैं वन सेल्सियस का राइस करा रही हूँ तो यहाँ पर मैं वन कैलविन का राइस कराऊँगी ठीक है तो ये क्या है ये नहीं है मतलब कि इसको इसमें हमने चेंज करा है। नहीं यहाँ दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर तो वन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा वन डिग्री कै यहाँ पर क्या होगा वन कैलविन हो जाएगा ठीक है तो चेंज ही नहीं तो टेम्परेचर है यहाँ पर तो जब हम इसको चेंज कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास फोर पॉइंट टू पॉइंट हटा देंगे नीचे लगा देंगे टेन ये नीचे थाउजेंड है माइनस का थ्री है तो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है थाउजेंड हो जाएगा ऊपर क्या है जूल है नीचे क्या है के तो क्या हो जाएगा के इनवर्स नीचे कैल्विन है तो ऊपर क्या हो जाएगा कैलविन इनवर्स तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ जाएगी फोर्टी टू हंड्रेड जूल के जी इनवर्स कैलविन इनवर्स बट ये हमने अप्रॉक्सीमेटली लिया अगर आप कहीं बुक्स में आप चेक करोगे तो कहीं कहीं आपको फोर वन एट सिक्स जूल के जी इनवर्स कैलविन इनवर्स भी दिया हुआ है सो दिस इज़ मोर प्रिसाइज ठीक है ये बहुत आ, ये ज़्यादा एक्यूरेट है ये हम अप्रॉक्सीमेटली कई बार कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं ठीक है तो ये हो गई आपके पास स्पेसिफ़िक हीट ऑफ वाटर अब स्पेसिफिक हीट ऑफ़ वाटर इतनी ज़्यादा का क्या मतलब है इतनी ज़्यादा होने का ये मतलब है कि अगर मेरे को वन किलोग्राम ठीक है वन किलोग्राम वाटर को अगर मुझे वन कैलविन डिग्री का राइस कराना है तो इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड हो गई है यानी कि इतनी ईजिली वाटर हीटअप नहीं होता सो so, इस वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं वाटर को यूज़ करते हैं एज कूलेंट जो व्हीकल्स में यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं हम वाटर को क्योंकि हमें पता है कि कार का जो इंजन होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो अगर वह हम वाटर का हम एज अ कूलेंट यूज़ करेंगे तो वाटर को गर्म होने के लिए बहुत हीट रिक्वायर्ड होती है तो दैट से उसको क्या कर देता है ठंडा कर देता है ठीक है तो वाटर इस वजह से एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स में क्योंकि वो इतनी ईजिली गर्म नहीं होता एक किलो वाटर को वन डिग्री राइस कराने के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है क्लियर है ये बात अब ये वाटर की जो नॉर्मल जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर नेचर ऑफ मटेरियल पे तो मटेरियल किस टाइप का है ठीक है किस टाइप का मटेरियल है उसके ऊपर उसके स्पेसिफिक हीट जो होती है वो डिपेंड करती है ठीक है अब जैसे हमने बार बार स्पेसिफिक हीट की बात करी वहाँ पे हमारे पास मास आ रहा था ठीक है तो अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में क्या आता है मास की बजाय वहाँ पे क्या आते हैं मोल आता है ठीक है क्या आता है मोल तो अगर मैं यहाँ मास हटा के यहाँ पर मोल यूज कर लूँगी तो इसे मैं बोलूँगी मोलर स्पे तो इसे हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो नेक्स्ट वन इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो हम सी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला बिल्कुल यही रहता है बस सिर्फ मास की जगह क्या आ जाता है मोल आ जाता है तो दिस इज़ क्यू दैट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री किसका किस अमाउंट का वन मोल का? का तो वन मोल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे म्यू यूज़ करेंगे अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट बताओ क्या बनेगी ऊपर क्या है हीट तो हीट के लिए आ जाएगा जूल नीचे क्या है मोल ठीक है तो यहाँ पर है जूल यहाँ है मोल और यहाँ पर क्या है कैल्विन ठीक है इनटू टू कैल्विन तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा मोल इनवर्स कैल्विन इन्वर्स सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है अब हमें पता जब कभी भी हम गैसेस की बात करते हैं ठीक तो है तो गैसेस की बात करते हैं तो फॉर अ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है एक आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ये होता है ठीक है अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है दिस इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ये भी हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो ये तो हो गया आपका कॉन्स्टेंट नाउ टेम्परेचर का जो चेंज है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर ठीक है तो चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक होता है कि जब कभी भी हम एट कांस्टेंट प्रेशर रख देते हैं कंडीशन ठीक है एक कंडीशन जब हम कांस्टेंट प्रेशर रख देते हैं तब हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ठीक है वहाँ पर वॉल्यूम आपको कांस्टेंट नहीं होता तब जब हम कांस्टेंट प्रेशर रख के उसकी मॉलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं सीपी से यानी कि मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तब हम गैस को चेक करते हैं दूसरी कंडीशन आपके पास आ जाती है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम At volume. तो volume को रख कर, जब हम स्पेसिफिक तो दो कंडीशन रहती है constant, आप निकालते हो, या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट देन आप उसकी तो मॉलर स्पेसिफिक मैं बोल रही हूं कि किस तरीके से हम हीट फाइन करते हैं किस तरीके से हम हीट फाइन करते हैं लेकिन वट इज द मैथड वट इज द प्रोसीजर कि हम कैसे हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड कैलरी मीटर नॉ लेट दस डिस्कस कि हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड कैलरी मीटर कैलरी मीटर क्या होता है एक डिवाइस होती है इन विच हीट मेजर्ड कैन बी मेड इज कॉल्ड कैलरी मीटर. बस हम एक हीट को मेजर करने की एक डिवाइस को क्या बोलते हैं कैलरी इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंपल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलरी मीटरी अभी कैलरी का प्रिंसिपल क्या कहता है कैलरी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो आपने कोई भी एक बर्तन लिया है ठीक है घर में अगर आप कोई भी बर्तन लेते हो उसके अंदर अगर आप हॉट वाटर डालते हो ठीक है क्या होता है ये बर्तन क्या हो जाता है गर्म हो गर्म हो जाता है ठीक है गर्म हो जाता है और वो क्या होता है, हो है? सराउंडिंग्स में उसकी हीट निकल जाती है ठीक है आपने देखा दस पंद्रह मिनट बाद ये भी क्या हो गया ठंडा हो गया यानी कि इसकी हीट क्या चली गई सराउंडिंग्स में चली गई राइट लेकिन अगर मैं इसको एक ऐसे कंटेनर में डाल दूँ एक ऐसे सिस्टम में डाल दूँ जिससे इसकी जो हीट है वो सराउंडिंग्स में ना जाए ठीक है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम तो अगर मैं इसी को ही इसी कंटेनर को जिसके अंदर हॉट वाटर है मान लेते हैं ठीक है तो इसको अगर मैं एक ऐसे कंटेनर में डाल देती हूँ एक ऐसे सिस्टम में डाल देती हूँ जिससे इसकी जो हीट है वो सराउंडिंग्स में नहीं जाएगी यहीं पर ही रहेगी तो इसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहता है आइसोलेटेड सिस्टम बोलता है कि हीट जो है ना ही एंटर कर पा रही है बाहर से ना ही बाहर जा पा रही है तो ये इसकी हीट यहीं रह जाएगी बाहर की कूल cool हीट जो भी है वो वहीं की वहीं रहेगी दिस इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम अब इसका एक मेन प्रिंसिपल क्या कहता है इसका एक मेन प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो यहाँ पे पानी जो होता ठंडा होता मैं इसके अंदर कुछ भी गर्म सब्सटेंस डाल देती ठीक है कोल्ड वाटर में कोई भी गर्म सब्सटेंस में डाल देती अब ये जो हॉट वाटर है जो हॉट सब्सटेंस है वो अपनी हीट किस ट्रांसफ़र कर सकता है इस वाटर को ट्रांसफ़र कर सकता है है ना अब अगर मैंने इसको आइसोलेटेड सिस्टम में डाल रखा है तो वो कहते हैं कि जो हीट इस सब्सटेंस ने लॉस्ट की है वो है हीट गेन बाय द वॉटर हीट गेन ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी ठीक है कि अगर हम एक सब्सटेंस को एक आइसोलेटेड सिस्टम में डाल देते हैं जिससे ना हीट इन ना आउट तब जो भी हमने सब्सटेंस इसके अंदर डाला है टू तो हीट अप दिस वॉटर या दिस सब्सटेंस कोई और भी लिक्विड हो सकता है तो हीट जो इसने लूज करी है वही हीट इसने गेन करी इक्वल अमाउंट में होती है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम ना होता और यहाँ पे कोल्ड वाटर के अंदर अगर मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ डाला होता ऐसा सब्सटांस जो गर्म होता और वो अपनी हीट इसको ट्रांसफ़र कर रहा होता तो कर तो देता लेकिन ये जो हीट होती ये और बाहर सराउंडिंग्स में भी ट्रांसफ़र हो जाती तब हम कह सकते थे हीट लॉस्ट इज़ नॉट इक्वल टू द हीट गेंड बाय द वाटर वो सराउंडिंग्स में चली तो तो जाती ठीक है सो फॉर दिस प्रिंसिपल उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है ठीक है अब ये कैलरी मीटर डिवाइस कैसे वर्क करती है उसको आप डिस्कस करते हैं सो अगेन मैं इसी को यहाँ पर बना रही हूँ कि हमने मान लो कोई भी एक कंटेनर ले लिया है ठीक है और इसके अंदर हमने कोई भी यहाँ पे वाटर डाला है यहाँ पे कोई भी हमने हीटिंग सबस्टांस चार डाला है जो इस वाटर को क्या करेगा हीटअप करेगा ठीक है और फिर हमने क्या किया है इसको हमने एक ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में डाल दिया है अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है यहाँ पर ये आप ग्लास वूल भी यूज़ कर सकते हैं ग्लास वूल एटसेट्रा कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हो जो एक शील्ड की तरह एक जैकेट की तरह एक्ट करेगा ठीक है ना हीट लॉस करने देगा ना वो अंदर की तरफ आने देगा ठीक है और यस यहाँ पर हमने एक स्टिरर लगाया होता है ठीक है जिस मटेरियल का आपने यहाँ पर जिस मटेरियल का आपने यहाँ पर यह वैसल लिया मान लो अगर कॉपर का वैसल लिया तो आपने यहाँ पर कॉपर का स्टिरर लगाया है स्टिरर का मतलब क्या होता है कि अगर ये हीट अपनी दे रहा है तो ऐसा ना हो कि हीट वाटर पहले यहीं पर ही ले ले क्योंकि पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही हीट अप होंगे तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कम हीट यहाँ पर ज़्यादा हीट ऐसा ना हो ये स्टिर कर देगा ताकि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे के पूरे वाटर के अंदर ठीक है तो ये स्टिरर क्या करता है यूनिफॉर्मली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है और यहाँ पे हमने साइड में बेचारा छोटा सा थर्मामीटर लगाया होता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना वाटर का हीटअप हो गया है ठीक है तो ये हमने गर्म करके डाल दी इसके अंदर तो अगर इसके ना दो चीज़ें होती या तो आप इसको हीटअप करके इसके अंदर डाल दो या फिर आप यहाँ पर इसका सेटअप कर सकते हो कि यहाँ आपने भी स्विच ऑन किया और ये हीट हो रहा है जैसे जैसे हीट हो रहा है वैसे ही वाटर हीट हो रहा है एंड इस डिवाइस को हम पर्टिकुलरली बॉम्ब बोल देते हैं ठीक है एक्चुअल में बॉम्ब नहीं है ये जो भी डिवाइस है जो हीट करने की कोशिश कर रही है वाटर को हीट कर रही है उसको हम एक बॉम्ब बोल देते हैं ठीक है सैम्पल तो इस तरीके से कैलोरी मीटर जो होता है वर्क करता है इसी के बेस पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है टेन पॉइंट थ्री वो डिस्कस करते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल आपके पास टेन पॉइंट थ्री अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन के जी प्लेसड फॉर द सफिशियंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग द बॉइलिंग वाटर ठीक है सो दैट द स्फीयर इज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट इज़ देन इमीजिएटली ट्रांसफर टू जीरो पॉइंट वन फोर कॉपर कैलरी मीटर कंटेनिंग जीरो पॉइंट जीरो फाइव के जी ऑफ द वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेज एंड अटेन्स अ स्टडी स्टेट ऑफ ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस एंड कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एलोमिनियम तो क्या किया गया है एक तरीके से हमने ये ऐसे बीकर लिया है कॉपर का है इसके अंदर क्या है वाटर है अगेन मैं इसको किस में डाल देती हूँ एक आइसोलेटेड सिस्टम में डाल देती हूँ ताकि आपको याद रहे क्या है ये एक कैलोरी मीटर है ठीक है तो हमने एक स्फीयर लिया एलूमिनियम का ठीक है इसको हमने पहले हीटअप कर लिया कहाँ तक कर लिया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इसको हीटअप कर लिया ठीक है ये हीटअप कर लिया इसको और ये ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन के जी का था और इसको हमने हीटअप कर लिया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक फिर हमने इसको यहाँ पर डाल दिया इसको हमने यहाँ पर डाल दिया ठीक है अब डालने से पहले जो वाटर का टेम्परेचर था वो कितना था ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस था और वाटर का मास भी आपको दे रखा है जैसे हमने इसके अंदर इसको डाल दिया ऑब्वियसली ये बहुत गर्म है तो गर्म होने के बाद अब ये अपनी हीट इसको भी तो ट्रांसफर करेगा ये भी तो गर्म होगा वाटर अब जो वाटर गर्म हुआ है वो उसने अपने आप को फिक्स कर लिया कित कितने टेम्परेचर पर ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उसने अपने आप को फिक्स कर लिया कि हमें इतना अपने आप को राइज कर लिया जैसे आपने एलुमिनियम का स्फीयर इसके अंदर डाला ठीक है आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एलुमिनियम एलुमिनियम की कितनी स्पेसिफिक हीट है यानी कि एलुमिनियम को हीटअप करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई मतलब उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई तो हीट जो इसको रिक्वायर्ड हुई है इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द वाटर राइट ऑब्वियसली यहाँ पर कॉपर भी है तो कॉपर भी तो क्या होगा हीटअप होगा ठीक है तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल कौन सा यूज हुआ प्रिंसिपल ऑफ कैलरी मीटर यूज हुआ राइट right? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इसको जो इसके पास है ठीक है स्पेसिफिक हीट लॉस्ट जो किसने की है एलुमिनियम में की है इज इक्वल टू जो हीट किसने गेन की है स्पेसिफिक हीट गेंड किस किसने की है वाटर ने की है एंड इस वेसल ने की है और कौन सा वेसल है ये कॉपर का वेसल है राइट right? तो हम इनको इक्वल रखकर फिर हम इसके फॉर्मलेस में से क्या करेंगे वो क्या निकालेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे सॉरी स्पेसिफिक हीट आपको कैलकुलेट करें दिस इज द ओनली हीट लॉस्ड ये तो सिंपल हीट लॉस है ये सिंपल हीट गेंड है और इसका हम यूज करके वो हम निकालेंगे क्या स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो फॉर्मूला एक बार याद करो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी दिस इज द हीट ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एस एम डेल्टा टी ये बन जाएगा ठीक है तो अब ये हीट किस किस के लिए यूज़ करनी है एल्यूमिनियम के लिए वाटर के लिए एंड कॉपर के लिए ये यूज करनी है ठीक है इसे कैलकुलेट करते हैं अब तो हम लिखेंगे हीट लॉस्ट फॉर एल्यूमिनियम ठीक है और यहां लिखेंगे हीट गेन ठीक है फॉर किस किस के लिए है एक वाटर के लिए है प्लस हीट गेंड बाय किसने की है कॉपर वैसल ने की है उसने भी तो की है ठीक है अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर एस एम डेल्टा टी एस एम डेल्टा टी यहाँ पर भी एस एम डेल्टा टी प्लस एस एम डेल्टा टी ठीक है नाउ दिस इज़ द स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ एलुमिनियम जो आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है

यस चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या है यहां पे था आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हमने इसके अंदर डाला तो उसने एक स्टेडी स्टेट क्रिएट कर ली ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस की यानी कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो मिक्सचर था वो किस पे सेटल हो गया वो ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस पे सेटल हो गया इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम इंक्लूडिंग वाटर इंक्लूडिंग कॉपर तो पूरा का पूरा मिक्सचर किस पे सेटल हो गया ट्वेंटी थ्री यानी कि ये इनिशियल टेम्परेचर था तो ये हो गया था फाइनल टेम्परेचर राइट तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वी नो दैट राइट फोर पॉइंट टू भी यूज कर सकते हैं बट टू बी मोर प्रिसाइज फोर पॉइंट वन एट हम यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपको दिस इज द कॉपर कैलोरी मीटर कंटेनिंग जीरो पॉइंट टू फाइव के जी ऑफ वाटर ठीक है ये है इसका ज़ीरो पॉइंट टू फाइव के जी मास नाउ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर ठीक है पहले वाटर इनिशियली ट्वेंटी डिग्री पे था बाद में कितने पे आ गया ट्वेंटी थ्री पे आ गया ठीक है तो फाइनल माइनस इनिशियल सो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस यहां पर करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये आपको पेपर में दी होगी टेबल्स में होती हैं ऑलरेडी गिवन होती है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज ज़ीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स इंटू टेंडर्स टू पार्ट थ्री ऑब्वियसली यहाँ पर भी आएगा इंटू टेंडर्स टू पार थ्री जैसे कि ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल के जी इन्वर्स कैलविन इन्वर्स के लिए है, ठीक है इन टू मास ऑफ कॉपर नाउ द मास ऑफ कॉपर इज जीरो पॉइंट वन फोर जीरो पॉइंट वन फोर ठीक है इन टू चेंज इन टेंज इन टेम्परेचर वाटर जिसपे था उतने पे ही कॉपर था ठीक है बाद में steady यही होगी ट्वेंटी डिग्री ठीक है ओके okay, अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे दिस इज दिस इज पॉइंट जीरो फोर सेवन ओके दिस इज माइनस में आ रहा है सेवनटी सेवन तो ये माइनस में सेवेंटी सेवन आ रहा है बट हमें क्या है हमें यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं करना है माइनस इसलिए कंसीडर नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पर बस चेंज निकाल रहे हैं कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है साइंस से हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो आप यहाँ हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थ्री भी लिख सकते हैं बस आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है एक और रीजन इसका ये भी है कि हम स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं जो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि हमने कितनी हीट दी है और जब हम हीट देते हैं तो साइन पॉजिटिव का आता है तो आप यहाँ पर 77 पुट फुट कर सकते हैं नॉर्मल ठीक है चलिए आगे चलते हैं आप ये हो जाएगा आपके पास इसको कैलकुलेट करेंगे फोर पॉइंट वन एट ये है थाउजेंड लिख देंगे इंटू ये हो जाएगा थ्री पॉइंट हटा देंगे नीचे आ जाएगा हंड्रेड ज़ीरो कैंसिल फिर पॉइंट हटा देंगे ये आ जाएगा हंड्रेड एक जीरो से एक जीरो कैंसिल फाइव टू सा फाइव फाइव सा फिर ये हो जाएगा टू ज़ीरो नाइन ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास आ, अच्छा ये सिर्फ हो गया वाटर के लिए ठीक है प्लस प्लस कॉपर के लिए ये है तो कॉपर के लिए भी लिख देते हैं यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स इंटू थाउजेंड इंटू ज़ीरो पॉइंट वन फोर इंटू थ्री पॉइंट हटा देंगे नीचे लग जाएगा थाउजेंड कैंसिल हो जाएगा पॉइंट हटा देंगे नीचे लग जाएगा हंड्रेड ठीक है ओके नेक्स्ट वन इज़ अगेन ये आपको निकाल रहे हैं आप तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर सेवन इंटू सेवेंटी सेवन इज इक्वल टू फिफ्टीन टू ज़ीरो नाइन इंटू फिफ्टीन प्लस इसको कर देंगे आ जाएगा आपके पास 386 एटी सिक्स इन टू और आ जाएगा 100 में ठीक है ओके ना अब ये मल्टीप्लाई में यहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा राइट right? इसको जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्पेसिफिक हीट जो मिलेगी वो मिलेगी 0.9 पॉइंट किलो किलो uh, जूल किलो जूल किलो ग्राम इनवर्स एंड कैल्विन इनवर्स तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम तो ये था आपका एग्जाम्पल टेन पॉइंट थ्री थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू